स्टेटमेंट पॉजिटिव आप नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है और देख सकते हैं परीक्षा केंद्रों पर हम हैं और परीक्षा केंद्रों पर तिलक लगाया जा रहा है और चॉकलेट दी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से फूल की बारिश भी की जा रही है ऊपर से और आप देख सकते हैं चॉकलेट भी दी जा रही है बच्चों को। अच्छा, क्या कहेंगी? चॉकलेट सब मिल रही है, कैसी व्यवस्था है? अच्छी है। अच्छी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है? ठीक है, फिलहाल यहाँ तो देखते हुए अच्छी ही लग रहा है। आगे देखिए, चॉकलेट वॉकलेट सब मिल रहा है, फूलों की बारिश, क्या कैसी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। पहला दिन है आज एग्जाम का? यस सर। और इस तरीके से चंदन लगाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट दिन आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है और परीक्षार्थी हैं जिनको फूलों की बारिश की जा रही है और परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या कुछ कह रहे हैं परीक्षार्थी, पहले आप वो सुनिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैथ जी बिल्कुल जी जी अच्छी है। क्या कुछ तैयारी है? ठीक है, पूरी तैयारी है ना? किस चीज़ का एग्जाम है? मैथ का। तैयारी पूरी है? अच्छा तैयारी है, मैथ का है। अच्छी है, मैथ का एग्जाम है। तैयारी है? हाँ अच्छे से है। अच्छे से पूरी तैयारी है? हाँ। निकल जाएगा ना? हाँ ऑब्वियसली। क्या कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है। किस चीज़ का एग्जाम है? मैथ्स का। मैथ्स का एग्जाम है, पूरी तैयारी है? हाँ। क्या कैसी तैयारी है? कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है। किस चीज़ का एग्जाम है? मैथ का। कैसी तैयारी है? अच्छी ही है। अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छी है, पानापुर से। पूरी तैयारी है? यस सर। किस चीज़ का एग्जाम है? मैथ्स का। तैयारी है? हाँ। निकल जाएगा ना? हाँ तैयारी है। किस चीज़ का एग्जाम? मैथ का। पूरी तैयारी है जी? निकल जाएगा जी। व्यवस्था कैसी है? अच्छी है। अच्छी है, क्या कैसी तैयारी है? ठीक है तैयारी। ठीक तैयारी है ना? हाँ। कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी। मैथ्स पूरी तैयारी है? हाँ अच्छा है। आज से बीएससीबी की इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय को गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदर्श केंद्र बनाया गया है। आदर्श केंद्र पे जो भी सुविधाएं छात्राओं को मिलनी चाहिए हम उसकी पूरी सुविधा दे रहे हैं। उनके लिए डबल स्तर पर फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है, एक गेट पर और एक घेराबंदी करके अलग रूम में। इसके अतिरिक्त हम उनका मुँह मीठा करा करके उनको चंदन टीका लगा करके परीक्षा हॉल में प्रवेश दिला रहे हैं ताकि छात्राएँ तनाव मुक्त होकर के परीक्षा दे। शौचालय की, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। प्रतिदिन दो पालियों में शौचालय की सफाई भी की जा रही है और हमारे तमाम सहकर्मीगण पूरी तत्परता के साथ समय का ध्यान रखते हुए कदाचार मुक्त परीक्षा कराने की ओर अग्रसर है। हाँ, चप्पल में आना है परीक्षार्थियों को और अपने एडमिट कार्ड और कलम के अतिरिक्त कोई चीज़ें नहीं रखनी है। ये तमाम नियम है। इस बार एक नया नियम और है कि केंद्राधीक्षक के रूम में प्रश्न पत्र नहीं खोले जाएंगे, वो हॉल में ही खोला जाएगा। तो हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदारी नियुक्त की है और तमाम निर्देशों का पालन हो रहा है। तो आपने सुना कि परीक्षार्थी इस बेहतर व्यवस्था से काफ़ी खुश है क्योंकि चॉकलेट मिल रही है और पहला दिन है, चंदन लगाया जा रहा है और काफ़ी खुश है परीक्षार्थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी खुश है परीक्षार्थी और देखिए लंबी कतारें हैं और फूलों की बारिश हो रही है और चॉकलेट दी जा रही है, काफ़ी खुश है। क्या कहें? हाँ। कितनी खुश है? बहुत ज़्यादा। ये तो तिलक उलक सब लगाया जा रहा है, काफ़ी खुश है ना? हाँ। इस व्यवस्था से काफ़ी खुश है परीक्षार्थी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर परीक्षा आज होगी और कुछ समय बचा हुआ है। परीक्षा केंद्र जाने का समय 9:20 तक ही, 9:20 के बाद किसी की एंट्री नहीं होगी, जिसको लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं सड़क जाम ना हो या जाम में बच्चे ना फंसे, इसको लेकर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। तो वह रही लाइव सिटीज़ के साथ।